हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट डिलीशियस। आज की रेसिपी है स्पेगेटी रेसिपी, और जो कि मैंने एग के साथ बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जो कि मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। ये मैंने स्पेगेटी परचेस किया है, इसको पास्ता भी कहते हैं। ये मुझे 70 रुपीज़ का मिला, और ये 250 ग्राम का पैकेट है, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप भी इसको ले सकते हैं। नाउ विल मूव नेक्स्ट। ये मैंने एक अनियन, बड़ा अनियन, उसको स्लाइस करके रख लिया है। और ये मैंने बेल पेपर काटे हैं, ग्रीन, रेड। और ये मैंने एक अंडा जो लिया हुआ है उसको फेंट लिया। इसमें कुछ भी नमक मिर्चा कुछ भी नहीं है। ये मैंने गार्लिक है जिसको बारीक ग्रेट कर लिया है। ये येलो बेल पेपर है, और चिली लिए मैंने। बेल पेपर अगर आपके पास ग्रीन कलर का है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मिल गया तो मैंने यूज़ कर लिया है। और ये सॉसेज हैं जो मैंने यूज़ किए हुए हैं, जिसमें कि विनेगर है, ग्रीन चिली सॉस है, रेड चिली सॉस है, और डार्क सोया सॉस है, और टमाटो केचप है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। यहाँ पे मैंने एक वेसल लिया है जिसमें मैंने पानी ले लिया है, जिसमें मैं नमक ऐड किया हुआ है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, जिससे कि स्पैगेटी आपस में चिपके नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालना है। और ये मैंने स्पैगेटी इसमें ऐड कर दिया है। ये धीरे धीरे जो है गलते जाएंगे नीचे से, और ये इसके अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे सेटल डाउन हो गया। अब हम इसको जो है तेज आंच पे बॉईल करेंगे, उस तब तक मैं आपको इसका जो सारे सॉस हैं इसमें मिलाने वाले वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली सॉस 1.5 टीस्पून। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने बहुत ही लाइट लिया है। ये मेरा ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। ये मेरा डार्क सोया सॉस है, मैं लाइट सोया सॉस डालना चाहती थी पर वो मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया और कम यूज़ किया। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून यूज़ करूँगी विनेगर। इसके बाद जो है मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो केचप 1 टीस्पून। टमाटो केचप, ग्रीन केचप, जो भी है आपके पास, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ ये सॉस रेडी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे जो स्पेगेटी हैं वो बॉयल हो चुके हैं। इसको मैंने ठंडे पानी में रखा हुआ है ताकि ये जो है आपस में चिपके नहीं। तो जब आप ड्रेन करते हो गर्म पानी से, उसे निकाल के आप जो थोड़ी देर इसको ठंडे पानी में रख दीजिए, जिससे वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली हुई है जिसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। फास्ट फूड की एक मेन थिंग ये होती है कि वो जो है हमेशा तेज़ आंच पे बनते हैं, बहुत फास्ट बनते हैं, और उसके लिए अलग बर्तन भी होते हैं। सो, यहाँ पे मैंने ऐड किया है गार्लिक और चिली। इनको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और जो फास्ट फूड की रेसिपी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने अनियन जो स्लाइस किए थे वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे, और उसके बाद हम जो भी हमने चॉप किए हैं बेल पेपर, रेड, येलो और ग्रीन वाले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी बहुत सारा नहीं पकाना है, ये बस थोड़ा सा सौते करके इसमें क्रंचेस होने चाहिए। ये मैंने कॉर्न डाल दिए, मेरे फेवरेट, आपके पास नहीं है आप मत डालिए।
आप इसमें कुछ भी सब्जियां ऐड कर सकते। अभी मैंने गैस को स्लो कर दिया है। इसके बाद मैं एक साइड पे सारी वेजिटेबल करके इसी में मैं एग अपना तैयार कर लूँगी। इस एग में कुछ भी नहीं है, ना सॉल्ट है, ना ग्रीन चिली, ना रेड चिली, कुछ भी नहीं है, सादा है। अच्छे से इसको पका लेंगे एग को, ताकि वो कच्चा ना रहे। इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा जो सॉस बनाई हमने वो, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा सब मिक्स हो गया। इसके बाद हम जो है स्पेगेटी ऐड करेंगे। ये हमारी स्पेगेटी है, आप देख सकते हैं सब बिल्कुल अलग अलग है, जैसे रेशम की तरह ये बिल्कुल लग रही है, और बहुत टेस्टी बनी थी दिस वन। अब इसको मिक्स करने के लिए आप दो फोक ले लीजिए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है और स्पैगेटी टूटती भी नहीं है और जल्दी से मिक्स हो जाता है, तो मैं इसी की हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि दोनों साइड से हमें मिक्स करना होता है। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि जो फास्ट फूड वाले जब स्पेगेटी वगैरह या नूडल्स वगैरह तैयार करते हैं, तो उनका जो उनकी कढ़ाई, जो उनकी वॉक होती है, वो उसी तरह से डिज़ाइन होती है ताकि जल्दी कुकिंग हो सके। और ये नीचे का थोड़ा सा साइड से मैं अभी चम्मच से कर रही हूँ। और ये हमारे डिलीशियस स्पेगेटी हो गई है रेडी, देसी अंदाज में कढ़ाई में बन गई है ये। और मैं इसे थोड़ा सा और टॉस कर देती हूँ, ताकि जो बचा कुचा रह गया है वो इसमें मिक्स हो जाए। और फिलहाल मुझे थोड़ी देर में खाना है ये, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, और मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। सो इतनी गर्म है कि इसकी जो वेपर्स है वो मेरे कैमरे के लेंस में आ गई है, तो थोड़ा सा धुंधला हो गया है। बट अभी मैं आपको क्लोजअप इसका दिखाऊंगी, और प्लीज़ ट्राई द रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और प्लीज़ कमेंट करिए सेक्शन में जाके, ताकि मुझे आइडियाज़ आए कि मैं कैसी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं। और लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने सर्व कर दी है अपनी स्पेगेटी, और मैं इसके ऊपर मैंने थोड़े से ऑरिगेनो डाले थे और चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें वही चीज़ डालनी है। ये बिना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के भी अच्छा लगेगा। ये मैंने ऐड कर दिया है, और ये है इसका क्लोजअप लुक। इट इज़ अ फंटेस्टिक, लवली, डिलीशियस डिश। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, इट इज़ अ फास्टेस्ट डिश। स्पेगेटी आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इसको पास्ता भी कहते हैं। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।